शुभ दोपहर बच्चों, नमस्ते आप सभी को। कल क्या होती है बच्चों, हमने पाठ बड़े भाई साहब फिर से दोबारा दोहराया था बच्चों, जो परसों की अवधि में किया था हमने, आवाज की समस्या होने के कारण दोबारा उसे दोहराना पड़ा बच्चों। आज की अवधि में थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ेंगे, जो पाठ हमने एक किया था परसों को, कल हमने जो छोड़ा था उस भाग को आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 56 बच्चों, पेज नंबर 56। जैसे कि इससे भी पहले हमने क्या देखा बच्चों कि बड़े भाई साहब यानी लेखक जो छोटे भाई हैं मुंशी प्रेमचंद जी को खूब डांटते हैं, खूब लताड़ते हैं, तो अंग्रेजी विषय के बारे में ढेर सारे बहुत ही खतरनाक बातों को बताते हैं कि जिस प्रकार अगर तुम खेलकूद करते हुए अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम कभी विद्वान बन ही नहीं पाओगे, तुम्हें पढ़ना लिखना तो दूर तुम बोल भी नहीं पाओगे, इस प्रकार के अनेक बातों को समझा कर क्या करते हैं। फिर इस प्रकार तुम अगर गुल्ली डंडा खेला तो फिर गांव जाकर खेलो, फिर दादा की तुम गाड़ी कमाई क्यों यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो। तो छोटे भाई ये सारे बातों को सुनकर बड़े निराश हुए, बड़े दुखी हुए। उसके बाद में वे कमरे में बैठकर सोचने लगे और रोने भी लगे कि जी चाहता था कि गाँव जाकर वहीं पर रहे, वहीं पर जाकर वहीं का हो जाए, लेकिन ये पढ़ाई जैसे मामले में उनको बिल्कुल नहीं होगा, इतनी मेहनत उनसे बिल्कुल नहीं होगी। फिर भी कुछ समय बाद में वह रोना धोना व निराश के बादल से फिर सब हट जाते। बाद में फिर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया, निर्णय लिया कि अब खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, अब खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, एक समय सूची बनाएंगे, क्या कहते हैं टाइम टेबल बनाने की योजना करते हैं। क्या क्या है टाइम टेबल में, ये हमने हमें देखना था बच्चों। बस ये अंक तो नहीं आएंगे, फिर भी ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, सुनिए। पेज नंबर 56। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थी, ऐसे ऐसे लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती, इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। देखो बच्चों, बूते मतलब हमारी क्षमता के बाहर होना, हमारी योग्यता से बाहर होना। जैसे कल मैंने ढेर सारे मुहावरे आपको लिखे थे और उसको उसके उदाहरण भी दिए, वाक्य उसके अर्थ भी मैंने बताया बच्चों। बूते से बाहर होने से तात्पर्य है यानी हमारे क्षमता से, हमारी योग्यता से बाहर होना। तो छोटे भाई का क्या ख्याल है कि पढ़ाई लिखाई उसके बूते से बाहर है, उससे नहीं हो पा रही है, क्यों यहाँ पे जिंदगी बर्बाद करे और गांव जाकर वहीं पे रहने का विचार वे सोच रहे थे। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। क्या बताते हैं आपके लेखक का, लेखक पहले तो रोते रहे हुए बड़े भाई की बातों को सुनकर और उनकी डांट डपट को सुनकर, फिर बाद में जो भी निराशा उनके मन में थी, जो भी रुआंसा उनका चेहरा हुआ था, वो सब बादल हट जाते थे। उसके बाद तुरंत वे एक इरादा करते थे, एक दृढ़ निश्चय करते थे कि खूब मन लगाकर पढ़े, पढ़ने के बाद में उसके लिए फिर एक टाइम टेबल बनाने की योजना भी बनाते हैं। मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना लिया। तो क्या करते हैं, बना डालते हैं टाइम टेबल, चटपट टाइम टेबल बना डालते हैं। फिर बाद में बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं, टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है बच्चों। देखिए, अगर किसी घर में किसी काम को करना है, किसी कार्य को आपको पूर्ण करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक योजना बनाते हैं, वी प्लान समथिंग बिफोर स्टार्ट वर्क। हमें काम को आरंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक सूची बनाते हैं। उसी प्रकार लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने जो छोटे भाई के किरदार निभा रहे हैं, एक टाइम टेबल बनाने का सोचा। तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, खेल कूद, जो खेल कूद हम करते हैं बच्चों, खेल कूद का मत यानी वो अंश वो बिल्कुल हट जाएगा, वो नहीं रहेगा। टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, नक्शा यानी बच्चों
मैप, मैप बना, कोई स्कीम तैयार किए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं, टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। उसके बाद में प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। देखो सुबह सवेरे प्रातःकाल, प्रात से तात्पर्य बच्चों सुबह, मॉर्निंग, प्रातः विसर्ग चिन्ह, प्रातः से मतलब सुबह सवेरे उठकर क्या करते थे वे, हाथ पैर मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ाई के लिए बैठ जाते थे। बम 6 से 8 तक अंग्रेज, 6 बजे मतलब बैठना, मतलब हम लोगों को 5:30 बजे उठना पड़ता है, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ना। 8 से 9 तक अगेन 8 to 9, 6 to 8 इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग, अगेन 8 to 9 तक हिसाब, हिसाब है बच्चों गणित, हिसाब उर्दू शब्द, हिसाब का मतलब है गणित विषय, कन्नड़ में कहते हैं, इन इंग्लिश से मैथ्स मैथमेटिक्स, फिर 1 घंटा हिसाब, 9:30 तक इतिहास, फिर 9:30 तक इतिहास, इतिहास यानी SSC सोशल साइंस, फिर भोजन और स्कूल, बाद में खाना खाकर स्कूल चले जाते थे। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, जैसे 3:30 आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल हाफ एन आवर रेस्ट। 4 से 5 तक भूगोल, 4 to 5 तक भूगोल, भूगोल यानी बच्चों भू यानी भूमि, गोल यानी गोलाकृति, यानी भूमि गोल है, यानी ज्योग्राफी, भूगोल यानी ज्योग्राफी का विषय, ज्योग्राफी पढ़ना, ज्योग्राफी। 5 से 6 तक ग्रामर, ग्रामर हिंदी अंग्रेजी का जो भी ग्रामर है, 1 घंटा पर ग्रामर पढ़ना। उसके बाद में आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, टहल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हॉस्टल, हाउ मच ओनली हाफ एन आवर पर, सिर्फ आधे घंटे के लिए हॉस्टल के सामने टहलना करते थे। उसके बाद में 6:30 से 7 तक अंग्रेज कंपोजिशन, कंपोजिशन इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, या फिर व्याकरण के नियमों में क्या करना, वाक्य की रचना करना, उसे कंपोजिशन कहते हैं बच्चों, इंग्लिश कंपोजिशन, अंग्रेजी कंपोजिशन। उसके बाद में फिर भोजन करके, आफ्टर डिनर भोजन करके 8 से 9 तक, अगेन 8 to 9 अनुवाद, अनुवाद है बच्चों ट्रांसलेशन, जैसे आजकल स्टेट बोर्ड के स्कूल होता है, देखो हिंदी टू इंग्लिश दे ट्रांसलेट, अगेन सम कन्नड़ मीडियम स्कूल फ्रॉम हिंदी टू कन्नड़ा, कन्नड़ा टू हिंदी दे ट्रांसलेट, हिंदी विषय। हाँ 9 से 10 तक हिंदी, देखो लास्ट में 9 to 10 हिंदी विषय को पढ़ना। 10 से 11 तक, अगेन 10 to 11 विविध विषय, विविध विषय, फिर विश्राम, देखो रात के 11 बजे तक वे लेखक पढ़ा करते थे, फिर सुबह सवेरे 5:30 बजे उठते थे। इस प्रकार बच्चों 10वीं की परीक्षा में भी ये सूची आपको डालना आवश्यक है। यू प्रिपेयर फर्स्ट टाइम टेबल डियर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर टाइम टेबल, देन ओनली यू कैन स्टडी प्रॉपर वे, अदरवाइज जब मन में आएगा आप किताब खोल के बैठे, जब मन नहीं चाहे तो किताब खेल कर आप फेंक कर किधर भी मोबाइल लेकर बैठे, टीवी के सामने बैठे, तो ऐसे 10वीं की परीक्षा पास नहीं की जाती बच्चों। आपको रैंकिंग लाना है तो खूब मेहनत करनी है, उसके लिए समय सूची बनाओ, टाइम टेबल फर्स्ट यू प्रिपेयर टाइम टेबल। पेज नंबर 57 मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, यस प्रिपेयरिंग टाइम टेबल इट इज वन थिंग, इट्स अनदर थिंग, एक बात है लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात है, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट। टाइम टेबल आपने बना लिया लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर व्हाट इज द यूज, वैसे वेस्ट हो गया, मतलब वैसे वो बेकार में चला गया, पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। देखो वैसे तो छोटा भाई क्या था बच्चों, पढ़ाई के मामले में थोड़ा मतलब कमजोर था वे, एक घंटा भर किताब लेकर बैठना जैसे एक बड़ी पहाड़ उस पर बोझा है, ऐसे उसको प्रतीत होता था, ऐसे लगता था उसे, लेकिन उसे सुबह 5:30 बजे से रात 11 तक
सुबह 5:30 से रात 11 बजे तक, तो इतना बड़ा टाइम टेबल उससे लगाया कि वो मन लेकर, मन कैसे होगा कि किताब लेकर बैठे, पहले दिन में कुछ भी नहीं होता बच्चों, धीरे 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 आदत को बनानी चाहिए। फर्स्ट यू रीड ओनली वन स्टैंजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो, उसके बाद जैसे सब समझते जाओगे तो फिर आपको मजा आएगा। फिर 3-4 दिन के बाद में 2-2 स्टैंजा पढ़ो, फिर 3-4 दिन के बाद में 3-3, इस प्रकार आपकी पढ़ाई की अभ्यास की क्षमता को बढ़ाओ दिन ब दिन। एकदम से मैं लेके बैठूंगा गुरु जी, मैं जब परीक्षा आएगी तब मैं देखूंगा, ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। उस दिन का टास्क उसी दिन में पूरा करोगे तो आप बिल्कुल सफल आदमी बनोगे, नहीं तो फिर सफलता आपसे बहुत दूर रहेगी बच्चों। तो अवहेलना, अवहेलना मतलब बच्चों अवहेलना यानी तिरस्कार, तिरस्कार करें जो टाइम टेबल उस छोटे भाई ने बनाया था, पहले दिन नहीं उसे क्या हो गया, उसको अनदेखा कर दिया, उसको केयरलेस कर दिया, तिरस्कार कर दिया। जैसे वो किताब लेकर बैठा तो वह जो खेलकूद पहले किया करता था, मैदान की हरियाली, हरे ग्रास, सब हरी हरी ग्रास मतलब घास थी, फिर बाद में हवा के झोंके, झोंके मतलब द वेव्स ऑफ एयर, उसके बाद बच्चों फुटबॉल की वो उछल कूद, फुटबॉल जो आप खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, थ्रोबॉल खेलते हो, उछल कूद, कबड्डी, कबड्डी चलते हो, प्रो कबड्डी लीग सब जो अभी तक नहीं हुए, केवल दांव खाद, वॉलीबॉल की मेरे फेवरेट बेंगलुरु गुरु से, हाँ वॉलीबॉल की वह तेजी, वॉलीबॉल आप जानते हो बच्चों, हाँ वॉलीबॉल की तेजी मतलब स्पीड और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। अज्ञात मतलब अनजाना, आई डोंट नो दैट, मुझे पता ही नहीं, अज्ञात मतलब कौन है क्या पता, लेकिन फिर अनिवार्य मजबूर विवश होकर मुझे फिर मैदान की तरफ जाना पड़ता, जो किताबें मैं खोल कर बैठता था उसे पुनः बंद करके कोने में रख देता, फिर खेल कूद में दौड़ जाता, भाग जाता, रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। मैं समझो भी टाइम टेबल मैंने बनाया था, किताबें मुझे पढ़नी थी तो एक घंटा गणित, ज्योग्राफी, भूगोल या फिर जो भी कॉम्पोजिशन है, ग्रामर है या फिर हिंदी है, सब मेरे दिमाग से उड़ जाती थी, सिर्फ खेलकूद ही मेरे मन में, मेरे दिमाग में रहता। बात बच्चों कुछ भूल, वह जान लेवा टाइम टेबल, जान लेवा यानी जान लेने वाला टाइम टेबल, उसके बाद में वो क्या क्या कर देता है, वह आँख खोल पुस्तक, आँख खोल यानी जैसे पुस्तकों को आप देखोगे तो आँख खोल जाएंगे कि वैसे किताबें पुस्तकें किसी की याद ना रहती। आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई रीच इन द ग्राउंड, मैं सब भूल जाता हूँ। आप भी ऐसे ही करते हो, जैसे मैदान में जाते हो तो घर दार, मम्मी पापा, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते होंगे आपको, और भाई साहब को नसीहत और फसीहत का अवसर मिल जाता है। फसीहत उर्दू से बोलते हो, फसीहत तात्पर्य बच्चों अपमान करना, इंसल्ट करना, फसीहत अपमानित करना, नसीहत सीख देना, नसीहत सीख दे, सीख संदेश या शिक्षा देना, क्योंकि समथिंग मैसेज, तो इसे मैं बड़े भाई को एक मौका मिलता, अवसर मिलता उन्हें, मैं उनके साय से भागता, साया मतलब बच्चों शैडो मतलब उनके जो साया था, मैं उनसे दूर रहने का प्रयास करता, क्योंकि उनके सामने आते मुझे पोछने लगते थे, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, उनकी जो आंखें मतलब बहुत ही खतरनाक थे, बड़े भाई से क्या करते थे अक्सर छोटे भाई को उपदेश दिया करते, ये उपदेश की कला में कहते बहुत ही निपुण थे, ये बताते उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करना, चेष्टा में प्रयास करना, कोशिश करना, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, दबे पांव मुहावरा है बच्चों, दबे पांव आना यानी चोरी चुपके चोरी चुपके से आना, जैसे आप मुहावरा प्रयोग कर सकते हो, बिल्ली घर में घुसकर, बिल्ली घर में दबे पांव आकर दूध पी जाती है, या फिर
देश के दुश्मन दबे पांव सरहद से देश में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार दबे पांव यानी बच्चों चोरी छुपके, एकदम जैसे चोर दबे पांव चोरी करता है। तो दबे पांव वो हॉस्टल के कमरे में जाने का प्रयास करते, उन्हें खबर ना हो, उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे बड़े भाई सब मुझे देखते थे तो मेरे प्राण जैसे के निकल जाते थे। वैसे हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी। सिर पर नंगी तलवार लटकना, कल मैंने ये दिया आपको मुहावरे का विवरण दिया था, इसका मतलब है बच्चों कि हमेशा खतरा, हमेशा भय में रहना, हमेशा मुसीबत हमारे सिर पर रहना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में झगड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। देखो बड़े क्या कहते हैं, जो आदेश देते हैं कि पुण्य के कर्म करो, हमें पता है एक ना एक दिन अवश्य हमें मरना है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पुण्य को भी छोड़ते हैं, मरने को भी भूल जाते हैं, तो हम जिंदगी के मजे लिए घूमते रहते हैं, पाप भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उसमें मजा आता है हम लोगों को, we feel happiness in that। तो इसलिए यहाँ पे लेखक बताते हैं कि मृत्यु और जीवन के बीच में जो मजा है उसी में डूबे रहते हैं लेखक यहाँ। तो इस प्रकार बच्चों पाठ का जो पहला अंश हमने पूर्ण किया, बच्चों यहाँ पे जो पाठ का पहला अंश हमने पूरा किया पेज नंबर 56। तो कई सारे मुहावरे यहाँ पे आए, जैसे हमने बड़े भाई का स्वभाव देखा कि बड़े भाई बहुत ही अध्ययनशील थे, पढ़ाई के मामले में बहुत गंभीर थे और छोटे भाई का बहुत ख्याल रखते थे। जब कभी छोटा भाई गलती करता था तो उसे डांट डपट करते थे, कभी कभी वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए किताब के हाशियों और पापियों पर कुत्ता बिल्ली और फिर आदमी के चिड़िया के चित्र बनाया करते थे। तो फिर पढ़ाई के मामले में वो बुनियाद पुख्ता होने की बात कहते थे। तो बड़े भाई के सवाल, छोटे भाई कैसे थे? छोटे भाई अक्सर मैदान में खेलकूद में अपना सारा समय बिताते थे। उनके खेल क्या थे? कलकरियां पर उड़ाना, कागज की तितलियां बनाना, चार दीवारी पर से कूदना, फिर स्कूल के फाटक को मोटर कार की तरह आगे पीछे करना, अगर कोई दोस्त मिले तो उसके साथ घूमना फिरना, ये सारे खेल वो छोटा भाई किया करता था। पढ़ाई में इसका मन बिल्कुल नहीं था, ये सारी चीजें सीखी बच्चों। तो उपदेश के मामले में बड़े भाई साहब बड़े ही निपुण थे, बहुत ही बुद्धिमान थे किसी दूसरे को उपदेश देने में। चलो पाठ का दूसरा कंटेंट हम देखते हैं। अब पाठ के दूसरा अंश है, दूसरा भाग यहां पे पेज नंबर 57। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। देखो कौन लेखक मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं, क्या हो गया? सालाना यानी वार्षिक परीक्षा इम्तिहान, सालाना यानी वार्षिक इम्तिहान उर्दू शब्द इम्तिहान से तात्पर्य है परीक्षा, ठीक है? परीक्षा ऐसे देखो री दीर्घ होता है, कई सारे विद्यार्थियों ने पत्र लिखने जो मैंने होमवर्क टास्क दिया था रिघु से क्या परीक्षा भवन री दीर्घ आते परीक्षा भवन। हाँ सालाना इम्तिहान हुई है, वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई बच्चों, रिजल्ट आया, परिणाम आया, फलतांश आया उनके सामने कि बड़े भाई साहब क्या हो गए? फेल हो गए हैं और छोटे भाई पास हो गए हैं। उल्टा हुआ, जो बहुत ही अध्ययन है, अध्ययनशील है, जो कड़ी मेहनत कर रहा है वो फेल हो गया, जो खेलकूद में समय बिता रहा है वे पास हो गया। वो भी कैसे? दर्जे में अव्वल, दर्जे में कक्षा में उनके वर्ग में दर्जा 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 में कक्षा या फिर वर्ग। बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, यानी फर्स्ट रैंक इन द क्लास, फर्स्ट रैंक कौन? छोटे भाई। देखो उल्टा हुआ मामला, मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों हाथे दूं,
आड़े हाथों ने हाय डांटा, एक मुहावरा है हाँ, आड़े हाथों लेना ने डांटना किसी को, गलती पर किसी को नसीहत देना। जिस प्रकार अब जब विद्यार्थी गृह कार्य नहीं करते तो शिक्षक उन्हें आड़े हाथ लेते हैं, आड़े हाथ लेना पर डांटना नसीहत देना, ये भी मुहावरा है हाँ। तो यहाँ पर छोटे भाई के मन में ये ख्याल आया कि पहले तो 3 वर्ष का क्या था उनके, तुम दोनों के बीच में अंतर था, बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में थे, छोटे भाई 5वीं कक्षा में थे, अब बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा भाई पास हो, तो 2 साल का अंतर बचा। बच्चों यहाँ पर क्या बताते हैं लेखक का, जी में आया कि जाकर बड़े भाई को डांटो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, जो तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसका प्रतिफल क्या मिला तुम्हें, उल्टा तुम फेल हो गए, मैं पास हो गया। देखिए मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आधे हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई। तपस्या जो स्वामी संत पंडित लोग करते हैं वे वाले तपस्या अलग हो चुके। इस बात के तात्पर्य से तपस्या जो परिश्रम वे करते थे, जो अभ्यास दिन रात वे करते थे, उसकी मेहनत क्या हुई, कहाँ पे चला गया भाई साहब, कहाँ गई। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, मजे से मैदान में गुल्ली डंडा खेलता रहा, कागज की तितलियां उड़ाता रहा, फिर कंकड़ उड़ाते रहा, मोटर कार की तरह फाटक खेलता रहा, 4 दीवारी से कूदता रहा, फिर भी मैं कक्षा में अव्वल हूँ। अव्वल उर्दू शब्द, अव्वल का हिंदी में करेंगे तो प्रथम पहले स्थान, प्रथम पहले स्थान फर्स्ट रैंक। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। और एक मुहावरा, घाव पर नमक छिड़कना यानी जले हुए को और थोड़ा जलाना, घाव पर नमक छिड़कना, नमक यानी साठ, छिड़कना उस पर डाल, घाव यानी जो चोट, मतलब चोट पर अगर थोड़ा नमक डाल दो तो वो उसमें और थोड़ा जलन होती है बच्चों, जिससे तकलीफ या समस्या बहुत अधिक होती है। तो इसका तात्पर्य बच्चों, जले हुए को और जलाना, या फिर झगड़े को और बढ़ाना, या फिर गुस्से वाले को और अधिक गुस्सा दिलाना, ये होता है बच्चों घाव पर नमक छिड़कना। रमेश बहुत बुरा व्यक्ति है, वे हमेशा घाव पर नमक छिड़कने का काम करता है। मैं ऐसे उदाहरण नाम ले रहा हूँ और आप में से कोई रमेश है तो क्षमा करो, घाव पर नमक छिड़कने, जले हुए को और जलाना, फिर क्रोध आने में को और ज्यादा क्रोध करवाना उसे। नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद था, लज्जास्पद यानी शर्मनाक था कि जाकर बड़े भाई से डांटना ये अच्छी बात नहीं, आड़े हाथों लेना, क्योंकि भाई साहब क्या थे, बड़े दुखी थे, बड़े निराश थे, वे रो रहे थे, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद वे फेल हो गए परीक्षा में, वे असफल हुए। हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, देखो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, अधिक आत्मविश्वास होना बच्चों, अभिमान यानी घमंड, अहंकार, अहम भाव से, क्योंकि मैं पढ़ू या न पढ़ू, मैं कुछ लिखू या न लिखू, मैं पास हूँ, हो जाऊंगा, फिर बाद में कक्षा में अव्वल यानी प्रथम स्थान पर पास हो जाऊंगा, इस प्रकार का झूठा आत्मविश्वास छोटे भाई के अंदर एक अहंकार को जगाता गया बच्चों। हाँ मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान बढ़ा, भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, रौब यानी अधिकार, जो बड़े भाई साहब हमेशा डांटते थे खेलकूद करने पर, अब वो न रहा क्योंकि वे स्वयं फेल हो गए हैं और मैं, मुझे देखो मैं पास हो गया हूँ, मुझे कैसे वे डांट सकते हैं। इस प्रकार का घमंड या गलत फहमी उसके मन में आने लगी, आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आजादी मतलब एकदम स्वतंत्रता से बिना किसी भय के, पहले तो बड़े भाई साहब का डर था मन में इसलिए दबे पाऊं, हॉस्टल के कमरे में आया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो डर भी निकल गया है, इसलिए एकदम स्वच्छंद होकर, आजाद होकर, स्वतंत्र होकर क्या कर रहे हैं, मैदान में खेलकूद कर रहे हैं। और
और मन में सोचा कि अगर बड़े भाई साहब मुझे डांटने के लिए आएंगे तो फिर उन्हें सीधे सीधे कह दूंगा क्या, या बताऊ। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? खून जलाने बच्चों बहुत ज्यादा परिश्रम करना, मतलब इतना एफर्ट, इतना आपने मेहनत की, उससे क्या प्रतिफल मिला आपको, उसका फलतांश क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ उसका, आप दुर्दा फेल हो गए। तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, देखो आपने मेहनत की फेल हो गए, मैं खेलते कूदते पास हो गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा। आतंक के लिए बच्चों भय, आतंकवादी मतलब आतंकवादी नहीं, भय को बढ़ाने वाले, भय डर आतंक। अरे बड़े भाई से डरते थे, जैसे हम लोग घर के अंदर क्या करते हैं, हमारे माता पिताजी को या फिर काका है या फिर बड़े भैया है, थोड़ा बहुत उनकी इज्जत, उनका मतलब सम्मान रहता है हमारे मन में, तो डर के रूप में हम उसे थोड़ा बहुत इज्जत देते रहते हैं, सम्मान करते रहते, जैसे गुरुजन होते हैं या फिर प्राचार्य जी को। अब यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया है, जो भी भय था, जो भी सम्मान था छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए, अब वो सब उड़ गया है, वो कुछ रहा नहीं है, बेधड़क में क्या कर रहा है, खेल रहा है और कूद रहा है। यस, रंग रंग से नजर आता था कि वह बिल्कुल अब आतंक नहीं रहा उनके मन में। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। यस, क्या हो गया, एक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जैसे उठते ही मैदान में चले गए गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा जाते हो जैसे चिन्नी दांड बोलते थे कन्नड़ में, तो उस गुल्ली डंडे को लेकर ऐसे खेलता रहा घंटा दो घंटे पर। जैसे उसे भूख लगी तो हॉस्टल के कमरे में आया खाने के लिए, तो बड़े भाई तो वैसे बुद्धिमान थे, उन्होंने उसके रंग ढंग से भांप लिया कि ओहो छोटा भाई अब क्या हो गया है, बड़ा घमंडी हो गया है, मेरा भय, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान उसके मन से निकल गया है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, तलवार खींच ली, तलवार खींचना मतलब डांटने के लिए, उसे थोड़ा बहुत बुद्धि की तो थोड़ी बहुत बातें बताने के लिए तैयार हो, तलवार के साथ युद्ध के लिए तैयार होगा, बातें करने के लिए तैयार हो गए। देखिए अगेन व्हाट काइंड ऑफ सजेशन ही इज गिविंग नाउ, तो पहले इसमें क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी विषय के बारे में, फिर विद्वान किस प्रकार हुआ जाता है उसके बारे में बता रहा था। लेकिन इस बार देखो कैसी कैसी बातों को बताते हैं, पेज नंबर 57 लास्ट पैराग्राफ देखता हूँ, इस बड़े में वो बता रहे हैं, देखता हूँ ओहो इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, हा हा क्या बताते हैं पे, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, इस वर्ष में तुम पास हो गए हो और दर्जे में बच्चों तुम्हारी कक्षा में अव्वल आ गए, प्रथम स्थान आ गए हो, ओ तो तुम्हें दिमाग हो गया, दिमाग घमंड अहंकारी बन गए हो तुम, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, भाईजान ने माय डियर ब्रदर मेरे छोटे भाई, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा लोग चले गए इस पृथ्वी लोक से, उन लोगों का ही घमंड रहा नहीं, सब टूट कर इस पृथ्वी में दब गया है, तुम किस खेत के मूली हो, इस प्रकार डांटा आरंभ किया, तुम्हारी क्या हस्ती है, हस्ती है बच्चों योग्यता, हस्ती है योग्यता क्षमता हैसियत, ठीक है काबिलियत यानी कैसे एबिलिटी, हस्ती अस्तित्व या फिर डिग्निटी कहते हो, डिग्निटी इसे, तो क्या तुम्हारी हस्ती है, तुम क्या चीज हो, एक दर्जे में तुम क्या हो गए, कक्षा में अव्वल आ गए, तो तुम्हें क्या सिंह आ गए क्या, बाद में कुछ उदाहरण देते हैं, देखो ध्यान पूर्वक सुनो, इतिहास में रावण का हाथ तो पड़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश दिया, यस नाउ ही इज रिमाइंड, रामायण से बच्चों, रामायण का जो सबसे खतरनाक डाकू था, जो सबसे खतरनाक विलन था, कौन था वे, रावण, जिन्होंने सीता माता का अपहरण किया और फिर राम लक्ष्मण को बहुत उन्होंने सताया भी, तो वे क्या था, बहुत घमंडी था, अभिमानी था, जितना निवेदन करने के बावजूद उसने सीता का अपहरण किए हुए सीता को उसने दोबारा छोड़ा नहीं, यानी अपने घमंड में डटा रहा, उसी के कारण क्या हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई, श्री रामचंद्र ने क्या किया उसे मार दिया। इतिहास में रावण का
भाग तो पढ़ा ही होगा तुमने, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? चरित्र मतलब बच्चों पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर से, उसके व्यक्तित्व से, रावण के व्यक्तित्व, जो रावण की कहानी तुम पढ़ ले इतिहास की हिस्ट्री में, क्या उपदेश दिया तुमने, क्या संदेश दिया उससे, क्या यह सीखा तुमने कितना घमंडी, कितना पराक्रमी राजा था, चक्रवर्ती बोलते ऐसे राजाओं को, चक्रवर्ती नहीं राजा दी राजा, छोटे मोटे राजा नहीं, कोई लोकल किंग नहीं, किंग ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी लोक का राजा था वे, इतना बड़ा राजा घमंडी होने के बाद में सारी संपत्ति सब यहीं पे छोड़कर बर्बाद हो गया, मर गया, मिट गया। रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ लिया, पढ़ गए सुमसुम ने वो दी बिट गया ना रावण का स्टोरी वो दे दिया नहीं, क्या सीखा तुमने उनसे, ये पूछते बड़े भाई साहब। महज इम्तिहान पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है, यस पासिंग इन द एग्जाम इट इज नॉट बिग टास्क, बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, तुम पास कर लो थोड़े बहुत अंक आपने लिए, असल विकास द रियल थिंग बुद्धि का विकास है परीक्षा में अंक। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं देखो एक पेपर का शीट क्या करता है, मेरे चरित्र को मेरे भविष्य को निर्धारित नहीं करता, जो मेरे अंदर ज्ञान है उससे मैं क्या होता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, ज्ञानी बनता हूँ। यहाँ पे बताते हैं असल चीज है बुद्धि का विकास, ठीक है, असल चीज क्या बताते हैं फिर बुद्धि। अब इस पर बच्चों चार अंक के लिए प्रश्न आएगा, बड़े भाई साहब किताबी ज्ञान से बढ़कर बुद्धि के विकास को क्यों महत्व दिया है, वो आगे हम कल के अवधि में चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर समय समाप्त होने के कारण अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, कोई शब्द कोई मुहावरा न समझ में आता हो, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मुझसे पूछ लो बच्चों।